तो दुनिया के इतिहास में बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो किसी समय इम्पॉसिबल लगती थी, बट आज के टाइम पे वो पॉसिबल हैं। हार्ट ट्रांसप्लांट उन चीज़ों में से एक है। आज की वीडियो में हम दुनिया के पहले हार्ट ट्रांसप्लांट की बात करेंगे और बिना किसी देरी के इस वीडियो को शुरू करते हैं। तीन दिसंबर 1967, वो दिन जब दुनिया के इतिहास का सबसे पहला हार्ट ट्रांसप्लांट किया जाता है और इम्पॉसिबल को पॉसिबल करके दिखाते हैं क्रिश्चियन बर्नार्ड नाम के एक सर्जन साउथ अफ्रीका में। ये हार्ट ट्रांसप्लांट किया जाता है लुइस नाम के एक व्यक्ति का, जो कि हार्ट डिसीज से गुजर रहे थे, और उनमें जो हार्ट डाला जाता है वो एक 25 साल की लेडी का डाला जाता है जो उस समय एक एक्सीडेंट में पूरी तरह से घायल हो चुकी थी। और सोर्सेज की माने तो इस हार्ट ट्रांसप्लांट के बाद लुइस को कोई भी हार्ट डिसीज नहीं रहा और उनकी मौत तक उनका जो हार्ट है वो प्रॉपरली वर्क करता रहा। अगर सर्जन्स की माने तो हार्ट ट्रांसप्लांट करते समय सबसे बड़ा चैलेंज होता है कि व्यक्ति का जो इम्यून सिस्टम है वो उस ऑर्गन को रिजेक्ट ना कर दे। बट आज के टाइम में टेक्नोलॉजी और साइंस के डेवलपमेंट के कारण पॉसिबल हो पाया है कि इम्यून सिस्टम को सप्रेस किया जाता है ट्रांसप्लांट के दौरान, और सक्सेस रेट ट्रांसप्लांट का बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो चुका है। आज के दिन तक लाखों की गिनती में हार्ट ट्रांसप्लांट हो चुके हैं और आने वाले टाइम में और भी होंगे। तो जब हम ऐसी चीज़ें सुनते हैं या फिर देखते हैं तो हमें एक होप मिलती है कि आने वाले टाइम में जो चीज़ें आज इम्पॉसिबल कही जाती हैं वो आने वाले टाइम में पॉसिबल हो पाएंगी। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर करना, शेयर करना अपने दोस्तों के साथ, और अगर चैनल की सारी वीडियोज़ आपको अच्छी लग रही हैं तो सब्सक्राइब भी ज़रूर करना। बाकी हम मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।